वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पार्ट, और हम इस यूनिट के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। खैर, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग यूनिट है जिसमें आपको शुरुआती जो ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत जो होती है, मतलब वो कैसे की जाती है और किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, वो पूरा आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके अंदर के इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन, जिन फंक्शन के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इसका एवोल्यूशन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कैसे कैसे हुआ, उसके बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के टाइप्स जो देखेंगे वो भी देखेंगे कि किस किस तरह के टाइप्स जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कोई एक तरह का नहीं होता, कुछ मल्टीटास्किंग होते हैं, कुछ मल्टीप्रोसेसर होते हैं, कुछ बैच प्रोसेसिंग होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, तो हम उसको सीखेंगे। उसके बाद हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजायर्ड फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एंड यूजर को चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम उन सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो कहता है वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज क्या है, अब सर्विसेज के टाइप्स क्या है, और वो सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड कराने के लिए वो किस किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, मतलब क्या चीज चाहिए और वो कैसे प्रोवाइड करना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक के अंदर पर्टिकुलरली हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे और सिस्टम कॉल्स पढ़ेंगे। अल्टीमेटली हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि हमें दो चीजों के बीच में फर्क करना है। सॉफ्टवेयर जो है वो सिर्फ दो प्रकार का हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी तमाम सॉफ्टवेयर आपने सीखे हैं या नाम सुने हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे सिर्फ दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए वैलिड होगा जो कि उस एप्लीकेशन को चलाएगा, और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा वो ऐसा बेस होगा जो कि एक प्लेग्राउंड क्रिएट करता है उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को खेलने के लिए। मतलब ये यहाँ पे वाकई में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि वो होंगे तभी आप किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप चला पाओगे। मतलब कोई भी आप एग्जांपल ले उठा के देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो के अंदर आपको अगर कुछ एनिमेशन दिख रहा है, तो ये एनिमेशन जो है वो किसी एक सॉफ्टवेयर के जरिए करा गया है, राइट। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ेगा। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डालेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर उसके अंदर डल जाएंगे। कुछ फाइल्स ऐसी हैं जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, आप एक पेनड्राइव के अंदर, एक बूटेबल पेनड्राइव के अंदर आप प्लग इन करिए उसके, और करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम डालिएगा, तो जितनी देर में वो डलने में, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने में लगता है, वो सारे काम होकर आपने जैसे आपने सिस्टम अपना फ्रेश स्टार्ट ली, माई कंप्यूटर को खोलेंगे, सी ड्राइव को खोलेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि वहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ पे विंडोज का फोल्डर बना हुआ है, सारे फोल्डर्स आपको बने हुए दिख जाएंगे। आप उन फोल्डर्स को खोल के देखिएगा, अभी आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली उसके अंदर, खोल के देखिएगा, तो कुछ माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज देती है, कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करके देती है, जैसे वो विंडोज का मीडिया प्लेयर होता है या कुछ भी पेंट होता है या फिर पिक्चर व्यूअर जो होता है, वो उनकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो दे देते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी छोटी छोटी कंपनीज हैं भी जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कर रखा है, जिनसे ऐसा टाई अप कर रखा है, जैसे एक्सबॉक्स। अब एक्सबॉक्स माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का ही मतलब एरिया, मतलब बिल गेट्स का ही है, कहने का मतलब ये। तो उन्होंने क्या करा कि एक्सबॉक्स का प्लगइन जो है ऑटोमेटिकली, आप इंस्टॉल मत करिए एक्सबॉक्स, एक्सबॉक्स कंपेनियन आपको उस पर मिल जाएगा। तो क्या है कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, कुछ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ जो कि इनकी प्रोप्राइटरी के अंदर ही आते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, वो ऑटोमेटिकली आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। और सेम गोज विद लिनक्स, लिनक्स के अंदर भी आपको, आप चलाओगे जब लिनक्स इंस्टॉल करोगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली मिलेंगी, आप उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते, वो तो आपको सर्विसेज मिल रही है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होगा जो कि DLL फाइल्स होती हैं, बहुत सारी exe फाइल होती हैं, जो आपको विंडोज के फोल्डर के अंदर जब जाएंगे तो सी ड्राइव में विंडोज में जाएंगे तो आपको कई सारी मिलेंगी। इवन अगर आपने गलती से कोई डिलीट कर दी तो बहुत सारी सर्विसेज बंद भी हो सकती हैं। मान लिया आपने ऑडियो ड्राइवर जो है वो प्री इंस्टॉल हो गया और आपने उसी की सर्विस को उड़ा दिया, डिलीट मार दिया, या किसी कारणवश हो गई डिलीट, या वायरस ने उसको डिलीट कर दिया, तो आप ऑडियो नहीं सुन पाएंगे। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हर एक सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर चिप के लिए काम करता है। मदरबोर्ड के अंदर जितनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, जितनी सारी डिवाइसेस लगी होती हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी एक एप्लीकेशन से कनेक्टेड होती हैं। कोई भी हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर ऐसा नहीं होगा जो कि किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड ना हो, वो सारे के सारे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड होते हैं।
तभी वो चल रहे होते हैं। हाँ अब वो बात अलग है कि आपको स्पीकर पे गाने सुनने, तो आप यूट्यूब से भी सुन सकते हो, आप वीएलसी मीडिया प्लेयर से भी सुन सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पीकर तो उसमें गाने सुनाएगा, स्पीकर तो आपको सॉन्ग बजा के देगा, या हेडफोन्स पे आपने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया, तो आजकल तो हेडफोन का जमाना है, तो आपने कनेक्ट कर लिया तो जाहिर सी बात है वो चलेगा। अब आप मोबाइल फोन को यूज करते हैं, जब तो मोबाइल फोन से हेडफोन जब कनेक्ट करते हैं तो उससे कॉल भी उठ जाता है, उससे स्पॉटिफाई भी चल जाता है, या आप कोई और ऐप चलाना चाहो, यूट्यूब देखना चाहो, इंस्टा देखना चाहो, तो वो भी चल जाता है। कहने का मतलब ये है कि हार्डवेयर विल रिमेन्स द सेम, सिस्टम सॉफ्टवेयर विल रिमेन्स द सेम फॉर रनिंग दैट हार्डवेयर। उस हार्डवेयर को चलाने के लिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर सेम है, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम अलग अलग हो सकते हैं। एप्लीकेशन हो सकता है कि आप यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, और आप, मैं यूट्यूब नहीं करता इस्तेमाल, मैं कुछ और इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उसको वीडियो कॉलिंग के लिए ले रहा हूँ, जो व्हाट्सएप पे या आईमो पे मैंने वीडियो कॉलिंग करी लीजिए। अब हेडफोन कोई बार बार, ये तो होगा नहीं कि साहब आप एप्लीकेशन चेंज कर रहे हो तो नहीं हम सिस्टम फाइल भी चेंज कर रहे, नहीं, सिस्टम फाइल वो बिल्कुल सेम रहेगी उस पर्टिकुलर हेडफोन के लिए जिसको देना है आउटपुट। आप देखेंगे पहले के जमाने में क्या होता था, जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम डालते थे तो क्या होता था, अलग अलग सर्विसेज के लिए आपको सीडी आती थी, छोटी छोटी सीडीज आती थी, तो बड़ा वो जमाना अजीब था जिसमें कंप्यूटर फॉर्मेट कराने के भी पैसे लगते थे, और लोग कंप्यूटर जो फॉर्मेट करना जानते थे वो बड़े रसूख वाले लोग होते थे, उनको बड़ा मेहनतों से बुलाया जाता था कि भाई हमारा आ जाओ घर, आ जाओ घर, आ जाओ। खैर वो अपने साथ विंडोज की सीडी लेके आते थे, उसमें की भी लिखी रहती थी पेन से, हम की डालते थे और डालने के बाद ओएस चलता था। अब मान लीजिए ओएस चल रहा है, आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको प्रिंटर की सीडी लगाइए, फिर प्रिंटर की सीडी का वो चलाइए, बड़ा धतक्रम वाला काम था। आजकल क्या हो गया, आजकल ये सीडी वीडी का, आजकल तो ऑप्टिकल ड्राइव आती ही नहीं है, सीडी रोम रैम और ये डीवीडी राइटर जो है वो अब आता ही नहीं है लैपटॉप्स के अंदर। अब तो सीधे सीधे आप लैपटॉप को चालू करिए, और जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर डाला, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जैसे आपने डाला और जैसे ही कोई आपने प्रिंटर की केबल को आपने कनेक्ट करा, ऑटोमेटिकली उसके सॉफ्टवेयर को फेच कर लेगा। प्रिंटर कैनन का है, ओएस माइक्रोसॉफ्ट का है, लेकिन वो सारी की सारी चीजें फेच कर लेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटर जो कैनन के ड्राइवर की जो फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली इसमें डली हुई है, वो एप्लीकेशन इसमें डला हुआ है, वो उनकी आपस की प्रोप्राइटरी मतलब इशू है, वो उनने ऑटोमेटिकली कर रखा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कह रखा है कि भाई तुम्हारा प्रिंटर हमारे ओएस से कनेक्ट होगा, हम ऑटोमेटिकली उसको रन करवा देंगे, तुम्हें अलग से सीडी बांटने की जरूरत नहीं है। तो वो जो आज भी कैनन के साथ सीडी आती है, प्रिंटर आप खरीदेंगे तो सीडी मिलेगी, लेकिन इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने खुद का ही एक पैनल दे रखा है जिसमें वो स्कैनिंग भी कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर करके आता है, फैक्स एंड प्रिंटर्स करके आता है, आप कभी जाएंगे सिस्टम में देखना सेटिंग्स में जाके, तो प्रिंटर टाइप करेंगे तो मतलब वही आता है, तो उसके अंदर स्कैनिंग भी हो जाती है और उसके अंदर प्रिंटआउट भी हो जाते हैं, सारी चीज़ हो जाती है। मतलब कुल मिला के मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये इतनी सारी बातों से, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्क है। और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सुन लें, ये पूछा जाता है सवाल कभी कभी, बहुत सारी बार आपको कन्फ्यूज किया जाता है, बहुत सारी बार तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए इस वीडियो को जब आप देखें तो थरोली जरा सा अपने दिमाग में वो कैनन का प्रिंटर, वो माइक्रोसॉफ्ट का ओएस रखेंगे तो शायद काम हो जाएगा। खैर ये था यूनिट इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, एक एक करके इन वीडियोज़ को आप देखते चलेंगे तो आपको और अच्छे से इसको डिटेल व्यू में समझ में आता जाएगा। थैंक यू सो मच।